हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एरर हैंडलिंग इन जेएसपी। हम लोग जेएसपी में एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जेएसपी एक सिंपल पेज है। बहुत सारी एरर आएंगी अगर आप इसके अंदर जावा का कोड लिखोगे, और अगर रन टाइम पे कोई एरर आ जाएगी तो उसको जेएसपी में कैसे हैंडल करना चाहिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें समझेंगे विद प्रैक्टिकल। बट हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, बट इसमें कोई हाईफाई डिज़ाइन नहीं करेंगे। हाईफाई डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप की हेल्प से क्या करेंगे, एक एरर पेज को बढ़िया सा डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग ये एरर्स को जनरेट करेंगे, और वो एरर जनरेट करेगा यूज़र से। इसमें हम लोग सिंपल एक मॉड्यूल करते हैं और देखते हैं एरर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए जेएसपी में। तो लेट अस सपोज हमारे इस पेज पे एरर आ रही है, और सबसे पहले मैं एरर को ला के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एरर लाने के लिए मैं दो नंबर्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं यहाँ एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा डिक्लेरेटिव टैग, डिक्लेरेशन टैग, और हम यहाँ पे दो नंबर ले लेंगे, एक इंटीजर n1 और फिर हम ले लेंगे एक दूसरा नंबर इंटीजर n2, और n2 की वैल्यू 10 ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को क्लोज कर देंगे। तो हमने बेसिकली यहाँ पे दो नंबर ले लिया है, n1 और n2, और हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं एक्सेप्शन। तो हम क्या करेंगे, हम लोग स्क्रिप्टलेट टैग में इन दोनों नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे डबल, या सिर्फ इंटीजर ले लो, मुझे डबल नहीं चाहिए, और डिवीज़न, और हम लोग करने वाले हैं n1 डिवाइडेड बाय n2, और डिवीज़न अच्छे से स्टोर हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स को 20 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, जिसका आंसर 2 आ जाएगा सिंपली। और हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करने के लिए यूज़ कर लेंगे h1 के अंदर लिखेंगे डिवीज़न इज इक्वल टू, और हम एक्सप्रेशन टैग की हेल्प से इसको प्रिंट कर देंगे सिंपली डिवीज़न को। बस अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं या रन करते हैं, तो अगर आप पहले से ओपन करके रखें पेज, तो इसको सिंपली आप रिफ्रेश कर देंगे। सिंपली देखें, डिवीज़न इक्वल टू 2 आ गया, इसको सिंपली रिफ्रेश कर देंगे। अगर अब आपने यहाँ पे इस पेज को रन नहीं किया, तो अपने प्रोजेक्ट को सिंपली रन करिएगा, और रन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के URL बॉक्स में अपने पेज का नाम, दैट मीन्स jstl.jsp, मेरे पेज का नाम था jstl.jsp, तो आप इस पर एंटर करिएगा, तो आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने पेज का नाम दिया था, ठीक है। अब हमारे पेज पर कोई एरर नहीं आया, और बार बार हमें वही नंबर मिल रहा है 20, 10, या अगर आप इसको 0 बढ़ा दो, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, डिवीज़न हो रहा है। बट लेट अस सपोज ये नंबर कहीं से डायनेमिक आ रहा है, और इस नंबर में किसी ने 0 दे दिया, जैसे ही पेज चलेगा यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन आ जाएगी, और यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रही, वो ये एक्सेप्शन आ रही 500 एडमिन सर्वर पे, इंटरनल सर्वर में कोई एरर हुई है, और आई है यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बट एज अ यूज़र अगर वो ये चीज़ देखेगा, तो उसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। हमें यहाँ पे एक पेज दिखाना चाहिए जिस पे हम फोटो लगा सकें, इमेज लगा सकें, एरर को इसको हैंडल करना चाहिए। दैट मीन्स एरर आए तो दूसरा पेज दिखाना चाहिए। तो हम लोग इसमें यही करने जा रहे हैं कि कैसे इस एरर को हैंडल कर सकते हैं, जो एरर यहाँ पे हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग बनाएंगे एक एरर पेज। तो हम अपने वेब पेजेस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और जेएसपी, और इसका नाम दे देंगे एरर_पेज, सिंपल। और ये हमारा एरर पेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से देखिए, हम पहले टाइटल चेंज कर देंगे और लिख देंगे सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, और हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ उठा के अपने बॉडी में भी सिंपली h1 के अंदर कॉपी कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको एक डिव के अंदर रख देंगे, और जिसमें कुछ स्टाइल अभी लिखेंगे, और डिव को क्लोज करेंगे इसके नीचे, और हम लोग स्टाइल में सिंपली लिखेंगे क्या, हम लगाएंगे पैडिंग, और पैडिंग दे देंगे 20 dp की। और हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर जो होगा हम लोग ब्लू कर देंगे, सिंपली कलर ब्लू कर देते हैं, और हल्का सा इसे बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये थोड़ा दिखेगा कुछ अच्छा सा। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाते हैं, और स्टाइल टैग में हम लोग अपने इस बॉडी का पैडिंग, या ऑल का पैडिंग मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 pixel, और मार्जिन भी 0 pixel, जिससे कि एक्स्ट्रा स्पेस हट जाए। थोड़ा सा मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है, हल्का सा, इसको बस अच्छा लगने के लिए, ठीक है। और यहाँ आप अगर चाहते हो तो एक बियार लगा के
पैराग्राफ में कुछ बता भी सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो यहाँ पे नोट कुछ बता सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हमने डिज़ाइनिंग कर दी। अब हम चाहते हैं कि इस JSTL पेज पे जो एरर आ रही है, जैसे ही इस पे कोई एरर आ रहा है, हमारा यही पेज दिखे, ये वाला पेज दिखे, तो हम लोग इस पेज को एरर पेज बना देंगे विद द हेल्प ऑफ पेज डायरेक्टिव। देखिए, इस पेज को एरर पेज बना देंगे, लिखेंगे लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज डायरेक्टिव, और यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे इज एरर पेज, और हम अपने यहाँ पे इस एरर पेज को एरर पेज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे सिंपल। अब ये एज अ एरर पेज ट्रीट होगा, इसका मतलब इस पे एक्सेप्शंस हम लोग आएंगे, उसको प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, और जिस JSP पेज पे आपको एरर आ रही हैं उस पे बताना होगा कि उस एरर पेज का रेफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फिर से लगाएंगे पेज डायरेक्टिव, तो लेस देन परसेंटेज एट द रेट पेज, और यहाँ पे हम लोग एरर पेज, यहाँ पे इज एरर पेज नहीं लिखेंगे क्योंकि इसे एरर पेज नहीं बनाना है, हम लोग को एरर पेज का यहाँ पे रेफरेंस देना है, तो हम लिखेंगे एरर पेज, और एरर पेज में हम लोग पास कर देंगे अपने एरर पेज का नाम, सिंपल। अब क्या होगा, जैसे ही कोई एरर पेज आएगी तो डायरेक्ट आपका जो भी रेफरेंस होगा वो इस पेज पे चला जाएगा, दैट मीन्स इस पेज का कंटेंट दिख जाएगा। सबसे पहले मैं नॉर्मली चलाता हूँ, अगर आप चीज़ों को नॉर्मली चलाओगे तब तो आपका आउटपुट सही आएगा, देखिए 40 डिवीज़न पे आ रहा है, बट इन केस अगर ये ज़ीरो होता है और एरर आती है तो ध्यान से देखिएगा, देखिए सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, और नोट करके यहाँ पे कुछ मैंने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये कहाँ से आया, ये एरर पेज चल रहा है, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, थोड़ा सा मैंने पैडिंग यहाँ से देखिए दे दिया था 0 0, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पैडिंग 0 0 हो गया, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम डिज़ाइनिंग का कोई ट्यूटोरियल नहीं देख रहे हैं, हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 20 इसको कर देते हैं पिक्सल, DP एंड्रॉयड में चलता है तो मैंने गलती से लिख दिया था, पिक्सल कर देते हैं और फिर से पेज रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर पेज की तरह अब हल्का सा लग रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पेज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका मतलब अब हमारे पेज में एरर, इस JSP पेज में एरर हैंडल हो गई, अगर एरर नहीं आएगी तब तो आपका पेज नॉर्मल चलेगा, बट अगर इस पेज में कोई भी एरर आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कॉन्टेंट, और इस कॉन्टेंट में रखी हुई है नल वैल्यू, और इस नल वैल्यू पर अगर आप कोई कंटेंट की सपोज आप लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और आप सिंपली देख पाओगे सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। अब हम चाहते हैं कि जो एरर आ रही है वो प्रिंट भी हो इस पेज पे, तो एरर प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस नोट की जगह आप एक वेरिएबल प्रिंट कर सकते हो जो कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है, तो हम प्रिंट करने के लिए सिंपल एक्सप्रेशन टैग यूज़ करेंगे और हम एक्सेप्शन को प्रिंट कर देंगे। तो ये जो वेरिएबल है ये एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर होगा क्या, जो एक्सेप्शन आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही थी, देखिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन मैं यहाँ पे ला के दिखाता हूँ, इस लाइन को मैं अपने सॉरी JSP पेज में इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, और इस लाइन को या हटा ही देता हूँ इस लाइन को, और अपने देखिए N0 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगी अर्थमेटिक एक्सेप्शन, देखिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर पेज पे कहीं पे ये दिखा भी सकते हैं एरर कौन सी आ रही है, या फिर हम पूरा पेज अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर हमारे मेन पेज पे कोई एरर आती है, इनकेस इस पेज पे कोई एरर आती है, हमारा मेन पेज है, तो ये अपने आप से एरर पेज का कंटेंट निकाल के आपको दिखा देगा, तो आप यूज़र उसे देखेगा। एक बार मैं आपको और रिवाइज़ कर देता हूँ, आपको एक एक्स्ट्रा पेज बनाना होगा एरर को हैंडल करने के लिए, और उस पेज में यूज़ करना, पहले तो आप डिज़ाइनिंग कर लोगे, उसके बाद उस पेज में पेज डायरेक्टिव की हेल्प से इस एरर पेज को ट्रू कर दोगे। नेक्स्ट, जिस पेज पे आप एरर लाना चाह रहे, जिस आप चाहते हो जिस पेज में एरर आए और हमारा एरर पेज दिखे, उस पेज में आप जाके सिंपली एरर पेज एट्रीब्यूट्स में आप एरर पेज को स्पेसिफाई कर दोगे, जैसे ही इस पेज पे एरर आएगी अपने आप से ये पेज इस पेज का कंटेंट शो हो जाएगा। अब आप बार बार हर पेज में एरर पेज में यही वाला रेफरेंस दे दो, तो जितने भी आपके वेबसाइट में एरर पेज होंगे सारे पेज में अगर आप ये रेफरेंस दे देंगे तो किसी पेज में भी एरर आएगी तो बार बार यही पेज दिखेगा। इस तरीके से हम लोग JSP में क्या करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें हम लोग पेजेस को डिज़ाइन करेंगे और उसमें देखेंगे एरर पेज की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोग भी जावा सीख पाएँ, क्योंकि जावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। चले फ्रेंड्स, बाय बाय।